ज्ञान ही जीवन का विज्ञान है। जय श्री कृष्णा। मैं हरमनदीप कौर, IHS डिपार्टमेंट BSc लाइफ साइंस की छात्रा, आज आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू का विज्ञान है। हमें वर्णित कर्म, प्रकृति एवं जीवन के मूल्य आज के विज्ञान से के सिद्धांतों से बहुत मेल खाता है। जैसे हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही गीता में हर एक कर्म के लिए उसका फल का महत्व होता है। आज मैं उसी श्लोक के माध्यम आपको गीता का महत्वपूर्ण ज्ञान देने जा रही हूँ। न जायते न म्रियते वा कदाचन नयं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शुश्वत नयं पुराणो न अन्यते अन्यमाने शरीर। आइए इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही कभी जन्म लेती है। अगर शरीर नष्ट भी हो जाए पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि वह सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ऐसे ही साल 1842 में जूलियस वॉन वेयर नाम के साइंटिस्ट ने दुनिया के आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ रखा, जिसे थर्मोडायनेमिक्स में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नंबर 1 के नाम से भी जाना जाते हैं। जो लॉ ऐसा है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही मिटाई जा सकती है। वन बॉडी टू अनदर, मतलब ऊर्जा ना ही तो बनाई जा सकती है ना ही मिटाई जा सकती है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करी जाती है। और यही गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया है, आत्मा ना ही तो मरती है और ना ही जन्म लेती है, सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करी जा सकती है और ये ना ही पुण्य उत्पन्न होती है। तो जिन लोगों को लगता है कि विज्ञान और भगवान अलग अलग है, उन लोगों को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि भगवान से ही विज्ञान उत्पन्न हुआ है। गीता में ऐसे विज्ञान नहीं बल्कि बहुत ज्ञान, जैसे गणित, बहुत सारी भाषाएं पहले ही वहाँ पे लिखी जा चुकी हैं। है गीता ही वर्तमान है और गीता ही भविष्य है। जय श्री कृष्ण।